भैया जी कहीं में आज का शो कुछ अच्छा और कुछ अलग सा होने वाला है। बड़े भाई को प्रणाम। भैया जी बड़े भाई, अरे अब बड़े भाई हैं। बड़े भाई हैं, अच्छा रेगुलर आपका प्रोग्राम देखते हैं। क्या आवाज है, वाह 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 वाह। आपके जैसा तो महान कोई है ही नहीं इस पूरी चीज में। अरे नहीं सर, जय हो। आपका हर प्रोग्राम अच्छा लगता है। जय हो, जय हो। आप बाजी सत्तू का पराठा खा रहे हैं, आलू का पराठा तो आप खाते हैं, लेकिन ये रांची में जो ये सत्तू का पराठा आपने झारखंड में चुना है, हरी धनिया की चटनी है पराठा, क्या बात है। हाँ जी, डेली का कस्टमर है, डेली का कस्टमर है, क्या बात है भाई। आलू का पराठा भी है लेकिन सत्तू का पराठा ज्यादा डिमांड में है। हाँ जी, बिहार झारखंड का फेवरेट है भाजी। और आपका फेवरेट भाजी, आ जाओ मेरे पीछे बताएंगे आपको। थैंक यू सो मच, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। काम आपकी अपनी जगह है, लेकिन अब ये देखिए कोई मिल जाए यूं ही सड़क पर तो थोड़ा वेट किया जाए। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ, क्या बात है। हाँ जी, मैं आपके साथ। पांडे साहब, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं पांडे हूँ, शुक्ला हूँ, प्रजापति हूँ, कौन पति हूँ, इसका कोई पता नहीं, इसका कोई फर्क नहीं। हाँ जी, चुनाव का ब्यौरा ले रहे हैं? हाँ ले रहे हैं। वेरी गुड। आप क्या किधर जा रहे हैं लेने? हम तो अब जनता की आवाज आप ले रहे हैं, जनता की आवाज है। क्या बात है, प्रजातंत्र की जीत हो, वाह, उत्सव है, पर्व है, क्या बात है, वाह। आप पांडे जी? मैं मिश्रा जी। अच्छा, जातिगत व्यवस्था नहीं है ये? ये नहीं, ये बिल्कुल जातिगत, ये संबोधन की प्रक्रिया है, संबोधन की प्रक्रिया है भैया जी। शब्द मैं ढूंढ देता हूँ भाजी। हाँ वाह, क्या बात है भाजी। मधुमक्खी आ गई, ज्यादा मोहब्बत करेंगे ना तो मधुमक्खी तो आएगी ही आएगी। प्रेम की रस है, है? प्रेम का रस, प्रेम का रस है। तो क्या हो रहा है इस बार यहाँ? यहाँ तो बदलाव लग रहा है, होगा। अच्छा, क्या होगा? बीजेपी आएगा। अबे वोट ही नहीं तुम्हारा, ये वोट नहीं है बच्चा है। बस ये चल रहा है, लाइव हो रहा है। हाँ चल रहा है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। सुबह सुबह निकल पड़े काम पे? काम पे निकल गया। हाँ भाजी, जो काम वाले आदमी है उनसे ज्यादा टोन दूसरी होती है, काम करने वाले आदमी के साथ ना बोले। आइए भाजी, आइए। भाजी जब आप झारखंड में हो, छत्तीसगढ़ में हो, तो ये आपको देखने को मिलता है। भाजी हम उस जमाने के हैं, हाँ हाँ इसमें कोई बात नहीं, हम उस जमाने के हैं जिसमें मैंने गुलाब जामुन इसी पत्तल में खाए हैं। पता नहीं भाजी आपसे मैं क्या बताऊं, इसका लुत्फ क्या है। अब आपने जब चखा ही नहीं तो मैं आपसे क्या बताऊं। भाजी मैंने चखा है, इस दोने की कीमत सिर्फ उतने नहीं है, लेकिन इस दोने की कीमत पे खाने का स्वाद भाजी अद्भुत है। दिख गया तो बता दिया आपको, आइए। अब्बा जी आप इसको मत कहिएगा कुछ कि मजदूरों की मंडी में मैं सेल्फी के जा रहा हूँ। भाजी बस मना मैं इनको भी नहीं कर पाया। कौन है हम? अच्छा हाँ। कैसे भैया जी, कहीं कैसे? मैं देखता हूँ टीवी में आपका। मैं वही हूँ, पहचाना कैसे? पहचाने आपको देख के, आपके बड़े बड़े बाल से, आपके चश्मे से। पहचान पाजी ना छुपाओगे, छुपा ना पाओगे, कहने का मतलब है पहचान अपनी छुपा ना पाओगे। आ जाओ पाजी। हाँ जी, आपका प्रोग्राम बहुत देखते हैं सर टीवी पर। हाँ अच्छा। आपका 7 बजे जो आता है ना,
टाइम गड़बड़ है, तुम तो उसमें देखते होगे। नहीं टीवी पर जाके देखते आपका। 6 बजे दिल्ली में बार बार लगाते हैं ना सर। हाँ प्लेस क्लेस में प्रोग्राम कहाँ देखते, कहाँ लगाते हैं? दिल्ली में कनेक्ट प्लेस में, जेल मोड़ कचहरी खटाल है। आप भैया जी हैं क्या? हम आपको कभी कभी YouTube में बहुत देखा करते थे जब दिल्ली में चुनाव हुआ करता, तो अरविंद केजरीवाल के समय में बहुत देखते थे जब दिल्ली आपका YouTube रात दिन उसी में कब किस वक्त नया न्यूज आए क्या आ रहा है। कभी उत्तर प्रदेश में देखते थे, आज हमारे झारखंड में आए हैं और ये रोड नली गली ये सब कुछ लगता है कि आज अपना चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। बहुत खुशी हो रही है कि हमारे झारखंड में बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, दिल्ली से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, असम से, बंगाल से, और ये क्या बोलते हैं हिमाचल प्रदेश से। और आपके चैनल बहुत बड़ा है जो हमारे झारखंड को कुछ तो कम से कम सीखने को मिलेगा और कुछ भला हो जाए शायद आपकी चैनल के माध्यम से। बाजी मैं इससे अच्छा नहीं बोल सकता। ना 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 बाजी, आपको धोखा है, मैं इससे अच्छा नहीं बोल सकता। अब मैं कैसे बताऊं आपसे, क्योंकि आप कभी सड़क पे आए तो मैं बताऊं। ये बहुत अच्छा बोले। भाजी छठ की तैयारी हो गई है, दुकानें सज गई हैं, मेवा लगी है। वाह वाह वाह। हाँ भाजी, ये वो जो प्रसाद तैयार होगा उसके लिए तमाम तैयारी है। चूल्हा देखिए भाजी सामने, मिट्टी के चूल्हे भी लग गए हैं। क्या बात है भाजी, दुकानें सज गई हैं। आइए आप, आते जाइए बस मेरे साथ। क्या बात है। आहा, नमस्ते। फल लगे हैं, ये क्या है? पनोरा है। अच्छा, मूंगफली है, पनोरा रखा। ये क्या है? सुगनी भाजी, सुगनी है। ये आंवला है, ये अमरक है, ये अमरूद है, शकरकंद है, नारियल है। अब आप बाकी सारे चीज हम कहाँ बता पाएंगे। अरे ये क्या रखा है, ये क्या है भैया? सर ये हमारा ई पावर स्टोक है सर। ये क्या है? ई पावर, ई पावर स्टोक है सर ये। बाजी डिजिटल स्टोव ले लो। ये सर ये डिजिटल स्टोक है, इसमें कैसा है ना सर, ये अपना हिसाब से आप इसमें फ्लेम कंट्रोल कर सकते हैं। इसको जलाना बहुत इजी है सर, इसमें कम धुआं होता है। मैकेनिज्म ऐसा है ना सर, देखिए सर ये हाई प्रेशर पे डाल दिया सर, देखिए कितना धाव दे रहा है। ये देखिए सर प्रेशर कितना है। हमारी माताओं बहनों जो मतलब अभी आपका जो प्रसादी बनाती है छठ पूजा का ठेकुआ या कुछ भी, मतलब इसमें कैसा है ना सर, आप कोई भी बर्तन रख दिए ना, आप बर्तन रख के इसमें मतलब आप ठेकुआ को सब बना सकते हैं। तो ये कम ज्यादा कैसे होता है आज? सर यहाँ पर फ्लेम कंट्रोलर है। तो ये इलेक्ट्रिक से चल रहा है? हाँ सर। ये कैसा है सर, ये आपका बैटरी है, अच्छा लोअर है सर, ये चार्जर देता है सर, 6 घंटा चार्ज पे 16 घंटा चलता है ये चूल्हा। ये सर ट्रांसफार्मर दिए हैं कि कभी भी लाइट सर हमारे यहाँ वोल्टेज अप डाउन होता है, जो शॉर्ट सर्किट का टेंशन नहीं होगा सर। ये सर यहाँ से कचड़ा निकालने के लिए सर, ये ऐश निकालने के लिए है, मतलब सर ऊपर से उल्टा कर देखेंगे नहीं ना सर। इसमें कैसा है ना सर कि पेपर लेते हैं हम लोग, पेपर को जलाते हैं सर, पेपर को जला के इसमें रखते हैं, एक नंबर फ्लेम पे डालते हैं सर, धीरे धीरे प्रेशर देता है लकड़ी, धीरे धीरे जलना स्टार्ट, उस पर लकड़ी डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा, लकड़ी जलना स्टार्ट करता है सर, फिर हम लोग फ्लेम बढ़ाते हैं। जैसे सर ये बंद है चूल्हा, ठीक है, अभी हम लोग एक नंबर पर डालेंगे तो देखिए सर अभी धीरे धीरे प्रेशर दे रहा है, ठीक है, हल्का हल्का प्रेशर है, ज्यादा प्रेशर नहीं है। ज्यादा प्रेशर करो, ज्यादा प्रेशर अभी।